कैसे हैं आप सभी लोग। तो अब यह नैनीताल का जो टूर होने के बाद में अब जो मैं घर आ चुका हूं और आज इधर बच्चा पार्टी उड़ा रही पतंग और इधर असवान। तो असवान, नैनीताल की वीडियो कैसी लगी भाई, बता? बढ़िया। सारी बढ़िया लगी। तो जी भैया, बच्चों को मेरी जो वीडियो बहुत पसंद आई। और आज जो है हमारे भाई मोकम धामा जी आ रहे हैं, तो अभी वो पहुँचने वाले हैं क्योंकि आज परिवार में जो एक शादी समारोह है, थोड़ा सा लगन सगाई आ रही है, तो वहाँ पे दावत में रहेंगे, तो आप लोग बने रहेगा आज। ये लग रहा है असवान इस टाइम पतंग उड़ाने, इसने पतंग पुचा रखी है भैया। कहाँ गोरी, देखो ये रही पतंग, ये रही जिनकी पतंग, ये देखो जी, ये देखो। और अभी इनसे अभी पतंग उड़ाने के नहीं, पतंग में ये क्या क्या बोलते हैं। और अब आ चुकी है कनक इस टाइम, अब कनक लग रही है पतंग उड़ाने, ये देखेगा। और इधर छोटा, और छोटा जो है अभी ब्रूसली के पास गया हुआ है, ये है ब्रूसली, ये देखेगा जी ब्रूसली को, ब्रूसली ब्रूसली ब्रूसली, ये देखो जी ब्रूसली को। और अभी सुशांत इसके साथ में खेल रहा है, इसे खोल दो तो भाई, खेलने दो इसे। और जी ये देखिएगा पतंग पूरे आसमान में जाते हुए ऊपर ही एकदम, क्या बात है, आसमान की गहराइयों में बच्चे फुल एंजॉय लेते हुए। और इधर सुशांत ब्रूसली को भी टहला रहा है। चलो भाई इसे भगाओ, पहले भगाओ, छोड़ दे बॉल को, बॉल के सामने छोड़ दे, छोटे। और ये गया, ये देखो, वो क्या बात है ब्रूसली, चल ब्रूसली चल बन गए, चल भाई आ ब्रूसली, आ बेटे, ओ क्या बात है। अरे बाबा, अर्णव कह रहा कि मेरा राउंड कटवा दो, पता नहीं काय का राउंड कह रहा। अर्णव बता, स्कूटी का राउंड? तो भैया इसे जो है स्कूटी का राउंड काटना है, इसे तो रहता है लड़के को स्कूटी का लालच कि हाँ भाई स्कूटी में बैठा हो, इसे राउंड कटवाते रहो बस। तो जी चलिएगा, पहले लड़के को राउंड कटवा देते हैं एक बार। पहले भैया स्कूटी को राउंड लगवाने से पहले बच्चों का जो ये है हुचका, इसको लपेट देते हैं इस तरह से, ये देखिएगा ऐसे लपेटते हैं हुचके को जल्दी जल्दी स्पीड से बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को जो पतंग उड़ाने की आड़ है ना वो मन नहीं लगाई थी। तो भैया इनका जो कार्य मुझे करके देना पड़ेगा, इनके हुचके पुचके लपेट के देने पड़ेंगे, वरना तो भैया ये फिर कल से देना बंद कर देंगे बिल्कुल, हुचके पुचके वो पतंग नहीं उड़वाएंगे बच्चे, ये बच्चे ऐसे ही हैं बस हमारे। और जी फिर उसके बाद छोटे का कटवाते हैं राउंड स्कूटी पे। भैया पहले राउंड पे अभी जो है अर्णव भी बैठ चुका है और लक्ष्य बैठ चुका है, अभी इन दोनों के राउंड कटवा देते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं सीधे घर के लिए। तो पहला राउंड जो है अभी अर्णव का है, इसके बाद लक्ष्य है और मास्टर जी आ चुके हैं इस टाइम और अभी मिलेगा आप लोग। तो मास्टर जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम फिट एकदम। तो भैया अभी थोड़ी देर में निकलते हैं फिर सीधे अभी दावत में, क्योंकि मास्टर जी को चाय वाय तो मैं कुछ पियानी ही नहीं है, क्योंकि दावत वैसा है तो इन्हें यहाँ चाय वाय पिया क्या फ़ायदा। तो भैया अभी सीधे लेके चल रहे हैं ना दावत वालों के वहाँ, क्योंकि ना हमें घर कुछ नहीं खवाना पियाना है ना आज। देवेंद्र ने जो है भैया मास्टर जी को पनीर की टिक्की दिया काट के बढ़िया वाली, मसाला मसाला घेर के, क्योंकि मास्टर जी कह रहे हैं कि चाय तो मैं पीने का नहीं, तो इन्हें चाय वाय पीने तो छोड़ दी। चाय पीनी कब से छोड़ दी भाई? चाय पीनी कब से छोड़ दी? 5 मिनट पहले ही छोड़ दी। हाँ जी हाँ भैया, लमड़ा चाय वाय तो पीता नहीं, वो टिक्की मार रहा इस टाइम, देखो बढ़िया वाली लड़के, क्या बात है पनीर एकदम बेहतरीन वाला। दोस्तों अब जो है फाइनली हम निकल चुके हैं इस टाइम दावत के लिए मास्टर जी को लेके, और ये देखें अपनी स्कूटी चलते हुए इस टाइम दावत की तरफ को। या इधर जो है सतीश आइसक्रीम वाले हैं, इनके जो डिपार्टमेंट है आइसक्रीम, देखिएगा ये देखो जी अभी खुली रहा है। तो भैया सतीश के हाथ में एक डिपार्टमेंट पूरा, अभी बच्चे ये देखो बच्चों की भीड़ लग चुकी है भैया इस टाइम पूरी, गालिया मत दे। तो भैया मास्टर जी जो है पनीर का तीमन ले रहे हैं, ये देखो साथ में, और देवेंद्र लग रहा है क्या है वो टिक्की, क्या बात है। अब तो हम तो ले लिए मुरादाबादी दाल है, और इधर मास्टर जी लाए हैं तो रसगुल्ले। भैया मास्टर जी कैसे लग रहे हैं, पूरे पूरे जबरदस्त तरीके से। देवेंद्र भी हट रहा मुरादाबादी दाल पे ही, भैया इसमें ही मजा आ रहा पूरा एकदम स्वाद। और जी ये देखेगा मुरादाबादी दाल, ये भैया ने बढ़िया बना के भाई, बेहतरीन एकदम। और जी ये देखो क्या बात है मास्टर जी, अब जो फाइनल है भैया कॉफ़ी पी रहे हैं, बस कॉफ़ी पीने के बाद फिर निकलेंगे। अभी भैया ने बनाई है बेहतरीन वाली एकदम, कहने का क्या मतलब है घर को और कहाँ निकलेंगे ज़्यादा खा लिया। तो अब आ चुके हैं इस टाइम, और अभी हम आ गए हैं इस टाइम कनक कॉस्मेटिक गिफ्ट सेंटर पर, और अभी हमारे जो मास्टर जी हैं अभी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग क्या कर रहे हैं मैं अभी वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। देख
और दोस्तों ये देखिएगा इस टाइम जो है मास्टर जी शॉपिंग करते हुए, इस टाइम जो इन्होंने चैन वगैरह खरीद रहे हैं ये अपनी मैडम के लिए। और इधर ये आ गया आपके चूड़े वैसे हाथों पहनने वाले, क्या बात है मास्टर जी। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो आज बारात आ रही है जिसमें ऊंट घोड़े और बकरे पतना क्या क्या नाच रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो भैया ये हार दिया है मैडम के लिए जिसे रानी एलिजाबेथ पहनती थी कभी 1857 में, ये देखिएगा ये पूरी हार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में।